Hello guys, good morning and a very happy new year to all of you. सो गाइज अभी बज रहे थे सुबह के 5 और मैं किकी को फीड करा रही थी। एक्चुअली जब से किकी 1.5 महीने की थी तब से मैं ये ड्रीम फीडिंग जो मेथड होता है उसे फॉलो कर रही हूँ। इसमें अगर आप बच्चे जब सो रहे हो उसी में एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स का गैप जो भी आप फॉलो करते हो अगर आप उन्हें फीड करा दो तो वो नींद में ही दूध पी के फिर सोए रहते हैं, उनका नींद भी डिस्टर्ब नहीं होता है और वो लॉन्ग टाइम तक सोते रहते हैं। जैसे किकी रात को 11 बजे सो जाती है और वो सीधा सुबह 9-10 बजे उठती है और उसका नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं बीच में 3-3 घंटे में उसे फीड कराती रहती हूँ। फिर बस इसके बाद मैं चली गई रेडी होने, क्योंकि आज हमें जाना था कहीं, प्रीति आई हुई थी तो हमने प्लान किया था कि जहाँ हम कल नहीं जा पाए थे आज हम वहाँ नाहरगढ़ वापस से जाएंगे और हम सनसेट तो नहीं देख पाए बट हम आज सनराइज़ देखेंगे। तो बस फिर मैंने बनाया ब्लैक कॉफ़ी जिसकी आज मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। एक्चुअली जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना बंद कर दिया था बट अब आज मैंने फ़र्स्ट टाइम वापस से पिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए भी बनाया और नीलू के लिए भी बनाया। बाय द वे गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आप कम्प्लीटली ब्लैक कॉफ़ी इग्नोर करो वरना आपका बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम ही जगा रहेगा। आज मैंने इसीलिए पिया क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैं किकी को आज कुछ घंटों तक तो ब्रेस्ट फीड नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं बाहर जा रही थी। तो बस हमने किया किकी को गुड बाय और हम निकल गए। तो मैंने घर से ही एक्चुअली चाय बनाकर मैंने थर्मस में डालकर मैं ले आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर सुबह कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा और सनराइज पॉइंट पे गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइज ये व्यू देखिए आप कितना सुंदर है। यहाँ से पूरी सिटी नहीं बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिटी तो दिखती ही है और यहाँ से आपको जल महल भी दिखता है। ये पूरा जल महल वाला ही लेक है और हम एक्चुअली आए थे सनराइज देखने बट ऑन द वे देखिए सनराइज हो चुका था। और ये व्यू देखिए आप, ये कितना सुंदर और कितना प्यारा व्यू है। मुझे नहीं पता था कि जयपुर में इतनी सुंदर जगह भी है जहाँ से इतना अच्छा व्यू होता है। और ये देखिए वो जल महल है जो मैं अभी जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये वही लेक है जो मैंने ऑन द वे भी आपको दिखाया था। सो गाइज बस इसके बाद आफ्टर दिस ब्यूटिफुल व्यू हम निकल चुके थे फोर्ट के तरफ। एक्चुअली हमने सोचा था कि अगर इस फोर्ट के अंदर जो कैफ़े है वो खुला होगा तो हम वहाँ थोड़ा चिल कर लेंगे, बट अगर वो बंद होगा तो हम जाएंगे एक नए जगह की ओर जो प्रीति के लिए बिल्कुल नई जगह होगी। बावड़ी, यस इस जगह का नाम बावड़ी है। एक्चुअली मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अगर आपने रंग दे बसंती मूवी देखी होगी तो उस मूवी में एक सॉन्ग था मस्ती की पाठशाला, वो सॉन्ग यहीं पे शूट हुई थी। कुछ सीन्स जो हैं वो इसी जगह के हैं। तो बस अभी मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। सो ये देखिए एक और ब्यूटीफुल व्यू और ये है वो जगह जहाँ पर उस गाने की शूटिंग हुई थी। सो ये देखिए ये है सच्चाई। ये स्क्रीन पर थोड़ा अलग ही दिखता है, उतना साफ दिखता है बट ये जगह एक्चुअली जो पानी है हमेशा इतना ही गंदा रहता है। और फिर ये देखिए प्रीति और नीलेश को करना था एडवेंचर, इन्हें और ऊपर जाना था तो हम निकल गए आगे की ओर। मीनवाइल जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मुझे हाइट फोबिया है क्योंकि लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे।
और फिर बस हम आ गए ऊपर और हमने पी चाय की थोड़ी गपशप और एंजॉय किया व्यू। सो बाय द वे, आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसे शूट किया है प्रीति ने, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, तो ये सारा रिस्क लिया प्रीति ने और उसी ने ये पूरी ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर किया। फिर देखिए आई बारी नीचे उतरने की और मैं फिर से बहुत डरने लगी और इस बार तो मैंने बहुत टाइम लिया नीचे उतरने में। और बस उसके बाद मुझे और प्रीति हम दोनों को लग रही थी थोड़ी भूख, तो ये हमें दिखा ऑप्शन, तो हमने सोचा कि चलो इसे ही थोड़ा सा खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात इस जगह की ये थी कि यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था, जो मैंने आज तक किसी भी फोर्ट एरिया में और इतनी ऊंचाई में नहीं देखा है। Hi bro, what's up? So बस इसके बाद हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली जो फोर्ट के अंदर कैफ़े था वो बंद था, वो 11 बजे खुलने वाला था और हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने ढूंढा एक कैफ़े ऑनलाइन और हम निकल गए कैफ़े की तरफ। और ये देखिए जल महल आया ऑन द व्यू और कितना प्यारा और कितना सुंदर दिख रहा है। ये था कैफ़े स्टेप आउट। मैंने इसे गूगल में सर्च किया था और मुझे इसके अच्छे रिव्यूज़ दिखे थे, 4.3 स्टार रेटिंग था और ये अर्ली मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट ओपन था, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था और हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम फटाफट आ गए यहाँ ब्रेकफास्ट करने। तो ये कैफ़े जो आप देख रहे हो, ये आप देखो कितने एक घर को एक्चुअली इन्होंने नीचे के एरिए को पूरा लिविंग रूम को आई थिंक इन्होंने कैफ़े में कन्वर्ट कर रखा था और बहुत ही प्यारे से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सजा कर रखा था, जिसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ होगा और कितना अच्छा दिख रहा है। एंड देन फिर आया हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने ऑर्डर किया बीट रूट जूस, नीलेश ने ऑर्डर किया ऑरेंज जूस एंड प्रीति का था गला ख़राब तो उसने पिया मसाला चाय। फिर फटाफट हमने किया ब्रेकफास्ट और हम निकल गए घर की ओर। और बस फिर हम फाइनली आ गए घर। अभी बज रहे थे सुबह के 10:30 और देखिए हमने आकर क्या देखा कि कीकी इज स्टिल स्लीपिंग। इसने अपनी नानी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और लाइक अ गुड गर्ल ये सो रही थी। फिर नीलू ने आकर इसे जगाया। कीकी खेल रही थी अपनी प्रीति मासी के साथ और मैं गई जोजो के पास, क्योंकि मैंने देखा था उसने स्वेटर नहीं पहन रखा था और मुझे पता चला कि उसने खुद ही स्वेटर खोलकर फेंक दिया था। आई डोंट नो हाउ कम ये एवरी नाइट हम इसे स्वेटर पहनाते हैं और सुबह इसका स्वेटर खुला हुआ हमें मिलता है। अगर आपके पास भी पेट है और वो भी ऐसा करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ये कैसे करते हैं, आई हैव नो आइडिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी ने कर दिया था कीकी को रेडी। कीकी ने पहने थे नानी के बनाए हुए स्वेटर एंड सॉक्स। एवरी डे जब भी कीकी रेडी हो जाती है तो उसके बाद नीलू आकर थोड़ी देर के लिए कीकी को फिर अपने पास रखता है और इधर बेचारा हमारा जोजो जेलस होता रहता है, तो मैंने फिर किया जोजो को थोड़ा सा प्यार। तो बस फिर हो गई थी शाम और मैंने ऊपर आकर देखा कि प्रीति एंड कीकी दे बोथ आर वॉचिंग बिग बॉस। सो प्रीति मासी यू आर स्पॉइलिंग कीकी। हाँ एंड देन बस मैं आज ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी और बच गए थे 10:00 और इधर देखिए प्राउड डैडी ने आज कीकी को सुला दिया था। सो बस इसके बाद नीलू ने कीकी को टक इन किया इन अ बेड
एंड देन वी ऑल वर ऑफ टू स्लीप. सो बस गाइज, आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.